ये एक पेशेंट का मतलब इट गिव्स मी एन इमेंस जॉय बाय ऑलमाइटी ग्रेस, भगवान की असीम कृपा है। और कितने साल हो गए थे शादी के? सर 13 साल हो गए थे। 13 साल हो गए थे और आपको प्रॉब्लम क्या था? सर निर्लिप्त काम आ रहा था और इनका ईएमआई लेवल मतलब 0.88 था, बहुत कम था। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी, दे अंडरस्टूड, ये समझे कि इनका क्या प्रॉब्लम है और ये दूसरे का वीडियो देख के आए हैं। और आपका ईएमएच कितना था? 0.85। 0.85 बहुत कम, बहुत दो ईएमएच बोली थी। और सर सरोगेसी के लिए बोल दिया था, और सरोगेसी नहीं डोनर है। हाँ डोनर है के बाद सरोगेसी के लिए भी बोल दिया, दूसरी जगह बोल दिया था सरोगेसी का। हाँ हम मतलब इसके पहले गए थे तो उन्होंने बोल दिया सरोगेसी के लिए ये मतलब आपका ये मतलब काफी काम है। हाँ तो डोनर और सरोगेसी करवाओ, डोनर एम्ब्रियो ले लो। हाँ और सरोगेसी से होगा, रिकॉर्ड से नहीं हो पाएगा। तो इधर पे कैसे मतलब भरोसा कैसे किया? सर आपका वीडियो देखा, वो उसी को देख के भरोसा करके आए थे। जो वीडियो देखा, जो आप दिखाते हो वीडियो में कि इसका ये किया वो नहीं, जो आपका एजोस्पर्मिया था नहीं था तो उसको समझे आपकी इसमें टीसा हो सकता है। जी आपका वीडियो देखकर ही समझे हम। सबसे अच्छी बात ये है कि खुद के सीड से खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड। कितने आप क्या एक कितने बने थे? 5, 4 या 5 उसमें से एक एम्ब्रियो बना, दो बने थे एक 5 दिन वाला एक 3 दिन वाला ऐसे। अच्छा 3 दिन में अरेस्ट हुआ। हाँ ठीक है। और एक ब्लास्टोसिस्ट बना। उस ब्लास्टोसिस्ट को ही अपन ने ट्रांसफर किया, मैडम को ही बुला लेते हैं। शी इज मेकिंग वीडियो। अच्छा ये टीसा विद वेरी लो एएमएच एंड दिस इज द बेबी विद देयर ओन। ये मैडम इक्सी करती हैं जी, मतलब जो टीसा करके मैं निकालता हूँ ये निकालती है। ये लोग बड़े दे आर वेरी हैप्पी। इनको क्या-क्या बोल दिया था? सरोगेसी के लिए लो एमएच की वजह से अंडे भी कम बन रहे थे तो उन्होंने बोला कि खुद के अंडे से तो हो नहीं पाएगा और कहीं सरोगेसी करवाना पड़े, आप खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। चलो थैंक यू वेरी मच, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर। हाँ नहीं ये भगवान की कृपा है और सबसे बड़ी चीज है आपका भरोसा। और क्या होता है कि जब भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि हम कोशिश करते हैं, हम लोग समस्याएं बहुत होती हैं, लोगों को लगता है बहुत खर्च होता है, लोगों को लगता है कि कई चीजें हम बोलते हैं तो उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा भी लगता है। बट लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो भरोसा किया मुझ पे, आप लोग आप हमको तो धन्यवाद देते हैं पर आप लोग को भी, क्योंकि आप हमसे काम कराते हैं तो पढ़ाई काम आ गई, विद्या काम आ गई, सब जगह से परेशान होके आए थे, यानी त्रस्त टाइप के होके आए थे आपके पास, सब जगह से बहुत ज्यादा निराश होके आए थे। तो हमारी बातों से भरोसा लगा था बिल्कुल। और आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छा लग रहे हैं यहाँ पे। चलो उनको भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।